जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, गुप्त अंधेरे से भरी सुरंग से। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों की सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिख रहा हो, तभी तो जरूरत होती है उस भरोसे की, जिंदगी के ड्राइवर पर भरोसे की जो पार ले ही जाएगा। बस याद रखना कि कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी बहुत बड़ी, पर आखिरकार यह है तो एक सुरंग ही, जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। ये कहकर वो दिया बुझ गया। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरे दिए ने कहा, जो शांति का प्रतीक था, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। ये कहकर वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का दिया था, वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब न उत्साह था, न शांति, न भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वो भला कैसे जला रहता? वो भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था, एक छोटा सा दिया, अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ। एक छोटा बच्चा घर में आया, उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि 5वें जलते दिए को देखकर वो खुशी से झूम उठा। और उस नन्हे से दिए से उसने वो चारों बुझे दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है, है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वो है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। बात उन दिनों की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी के बम वर्षकों का खौफ सब तरफ था। लंदन में दूध की एक लंबी लाइन लगी थी। दूध बांट रहे व्यक्ति ने कहा, केवल एक ही बोतल बाकी है, बचे हुए लोग कल आए। आखिर में दूध की बोतल जिस व्यक्ति के हाथ आई, उसके ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। दूध न मिलने के कारण उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पर ये क्या, दूध बांटने वाले व्यक्ति ने दूध की बोतल उसके हाथों में दे दी। वो चौंकी। हुआ यूं कि उसके आगे खड़ा व्यक्ति पंक्ति से हट गया, जिसके कारण दूध की बोतल उस औरत को मिल गई। लाइन में खड़े सभी लोग उस व्यक्ति के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उस व्यक्ति ने उस औरत के पास जाकर इतना ही कहा, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, यह इंग्लैंड का भविष्य है, इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करना। जब इस घटना की खबर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लगी तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। जर्मनी के जबरदस्त हमलों की विभीषिका से उत्पन्न चिंता से उभर कर वो बोले, अब हिटलर को संदेश भेज दो, ब्रिटेन की जीत को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ के लोग देश पर मंडरा रहे भयंकर संकट के समय भी अपना निजी हित भूलकर देश के बारे में सोचते हैं। चर्चिल का यह विश्वास सत्य सिद्ध हुआ। ब्रिटेन विश्व युद्ध में विजेता बनकर उभरा। यह विश्वास आया कहां से? ये आत्मबल आया कहां से? आप ही सोचिए।
बहुत फर्क पड़ता है हौसलों की उड़ान में जब सब साथ हो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। बहुत फर्क पड़ता है जब हम अपने हितों को छोड़कर सिर्फ देश के हितों के बारे में सोचते हैं। बहुत फर्क पड़ता है जब हम एक की ताकत को पहचान कर एक एक रेशा जुड़कर न टूटने वाली मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है हर छोटी से छोटी सकारात्मक चीज से। बहुत फर्क पड़ता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक